हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय केक एडिक्शन। अब जैसे हम सब जानते हैं कि मैंगोज़ का सीज़न बस जाने वाला है, तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैंगो मस्तानी का वीडियो शूट किया जाए। सो यहाँ पे मैंने लिया है 2 अल्फोंसो मैंगोज़, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, करौंदा चेरीज, टूटी फ्रूटी, शुगर, कैशूज, आलमंड्स, ठीक है, और मिल्क लिया है, वनीला आइसक्रीम और मैंगो आइसक्रीम बाद में डालेंगे एकदम लास्ट में, और मैं आपको बताऊंगा हमको वो कैसे डालनी है और कैसे इसको प्रोसेस करना है। सबसे पहले एक सबसे बड़ा वाला मिक्सर का जार लेंगे जो शेक्स के लिए होता है, उसको लेंगे। इसमें हम सब मैंगोज डाल देंगे एक्सेप्ट थोड़े से, हम उसको फिर गार्निशिंग के पर्पस के साथ यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पर मिक्सर जार में मैंगोज डाल दिए हैं, कोशिश करें अल्फोंसो मैंगोज लेने की। यहाँ पर मैंने थोड़े करौंदा चेरीज डाले हैं, टूटी फ्रूटी डाला है, ये सारी चीज़ें ग्राइंड नहीं होती है प्रॉपरली, बट ये जो उसके थोड़े थोड़े दाने रह जाते हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। टूटी फ्रूटी डाला, उसके बाद नट्स डाले, शुगर डाला और थोड़ा सा मिल्क डाला। अब मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको पूरा प्योरी किया है। इसको प्योरी करने का वन एंड ओनली रीज़न है कि जब भी हम इसमें बाकी सारी चीज़ें डाल के इसको ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होता है प्रॉपरली। सो बेसिकली हमने इसमें ये प्रोसेस फॉलो किया है, और मैंने जो दूध लिया है वो फुल क्रीम मिल्क लिया। बेसिकली वो आपको हेल्प करता है कि आपका मिल्क शेक और क्रीमी और अच्छा बने, जो उसमें क्रीम होता है। तो देखिए ये पल्प बन के तैयार है। अब हम इसमें हम डालेंगे हमारा रिमेनिंग दूध। मैंने यहाँ पे अराउंड 250 ml के मिल्क लिया है, और ये हमारी 3 से 4 सर्विंग्स बनेंगी। और दूध डाल के मैं इसको बहुत अच्छे से प्रोसेस कर रहा हूँ। प्रोसेस करने के बाद आपको पर सर्विंग के लिए 2 स्कूप आइसक्रीम डालनी है, 1 वनीला आइसक्रीम, 1 स्कूप मैंगो आइसक्रीम। सो ये मिल्क के साथ मिक्स होने के बाद मैंने यहाँ पे इस मिक्सी जार में डाला है। मेरे को जैसे 3 सर्विंग्स के लिए बनाना था, तो 3 सर्विंग्स के लिए मैंने पर स्कूप 3 स्कूप्स डाले, मतलब वनीला आइसक्रीम के 3 स्कूप और अपने मैंगो आइसक्रीम के 3 स्कूप। यहाँ पे ये मैंने होममेड आइसक्रीम यूज़ की है। प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बताएं अगर आपको ये आइसक्रीम भी सीखनी है, तो आई डेफिनेटली लव टू शो यू दिस। और यह मेरी मैंगो आइसक्रीम है, मैंगो आइसक्रीम में मैं अराउंड 3 से 4 स्कूप्स डालूंगा, ठीक है। और उसके बाद आइसक्रीम डालने के बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको उसका मिक्सर को बहुत धीरे से चलाना है, बंद चालू करना है, ताकि उसका क्रीमीनेस जो है वो बरकरार रहे। सो मैंगो मस्तानी ये पुणे का बहुत फेमस ड्रिंक है। बेसिकली ये मैंगो शेक है, बट बहुत थिक होता है और टेस्ट बहुत अच्छा है। देखो मैंने इसको बंद चालू किया, ये रिच बनता है बिकॉज इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और बेसिकली इसको क्या किया जाता है कि लेयर्स में सर्व किया जाता है, बट आई डोंट प्रिफर सर्विंग इन लेयर्स। मैं ऐसे ही सर्व करता हूँ कि ग्लास में डायरेक्ट मस्तानी डाल दी, नॉर्मल शेक डाल दिया, और उसके बाद आप इसमें जो चाहे ऊपर से टॉप कर सकते हो, बट वनीला आइसक्रीम से टॉपिंग करना ज़रूरी है क्योंकि वो उसकी शान है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं उसके ऊपर एक वनीला आइसक्रीम का स्कूप रख रहा हूँ, और ये वही सब चीज़ें जो हमने शेक के अंदर डाली, ताकि हमको ये रिचनेस और थोड़े से शाही तरीका लगे सर्व करने का। वो सब चीज़ें हैं, तो टूटी फ्रूटी, करौंदा चेरीज और ये मैंगो के कुछ पीसेस ऊपर से ड्राई फ्रूट्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।